गौर से देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद ये नकाबपोश हथियारबंद लुटेरे दिल्ली के बवाना औद्योगिक इलाके की एक फैक्ट्री में लूटपाट के इरादे से घुसे हैं। रात तकरीबन 2:30 बजे का समय है, जिस समय इन लुटेरों ने सुनियोजित तरीके से पहले गली के सारे फैक्ट्रियों को बाहर से बंद किया, उसके बाद बवाना सेक्टर 3 की फैक्ट्री का दरवाजा तोड़कर फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए। इन लुटेरों को अंदाजा था कि फैक्ट्री के अंदर इन्हें काफी कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। करीब 10 मिनट तक पूरी फैक्ट्री खंगालने के बाद लुटेरे अंदर मौजूद एक कर्मचारी का बैग ही उठाकर वहां से रफूचक्कर हो गए। बैग में कुछ दस्तावेज और रुपए थे। बड़े बड़े हथियार हैं और उसके बारे में बस क्या बता सकते हैं, लूट भी हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा क्या कैजुअल्टी भी किसी को मार सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। आप अपने सामने देख लो, 3 बार फैक्ट्री में 10 मिनट के अंदर आए और 8 से मेरे ख्याल से 10 आदमी ना हो कम से कम, इतने आदमी थे। क्या कुछ ये लेकर के गए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें बाहर की फैक्ट्री में? कुछ दरवाजे फैक्ट्रियों में बाहर के दरवाजे उन्होंने आसपास की जितनी फैक्ट्री में सबके दरवाजे बंद कर दिए और उसके बाद एक लड़के का बैग रखा था, उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, कुछ रुपए थे, अपना वो लेके चले गए। ऐसा नहीं है कि लुटेरों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये लोग सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही हैं। ये लुटेरे तकरीबन 7 से 8 की संख्या में थे, सभी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, या इन्हें मालूम है कि कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए इन्होंने अपना चेहरा छिपा रखा था। बेखौफ तरीके से 10 से 15 मिनट फैक्ट्री को खंगालने के बाद ये लुटेरे फरार हो गए। फैक्ट्री में लुटेरों के घुसने की जानकारी मिलने पर मालिक ने पुलिस को इत्तला दी। सर हमें तो बहुत जबरदस्त डर है और रात को करीब 2:30 बजे की बात है, 8 से 9 लोगों ने मेन फ्रंट गेट से अंदर घुसे हैं, कहीं आसपास से नहीं घुसे, मतलब इस बात से ज़्यादा खौफ जगा है कि इतने लोग 8 से 9 आदमी सड़क पर रात को 2:30 बजे घूमना और जिनके हाथों में हथियार है, मुंह जिनके बंद है और सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, तो सारा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी फैक्ट्री वाले हैं बहुत ज़्यादा खौफ जगा है। पुलिस आई और तफ्तीश शुरू की गई है। इन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो पाई है, यानी साफ है कि पुलिस सीसीटीवी के खौफनाक मंजर को भी गंभीरता से नहीं ले रही। ऐसे में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे लोग डर के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।